रोका छेका जमीनी धरातल पर असफल, सिर्फ कागजों पर सीमित। आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा रोका छेका अभियान की शुरुआत हरेली त्योहार के दिन लागू किया गया था, परंतु जमीनी धरातल पर ये पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। सड़क के बीचों बीच बैठे आवारा पशुओं से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर दुपहिया वाहन चालक आए दिन इन मवेशियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। रोका छेका अभियान से पशुपालकों का जीवन स्तर सुधारने गोधन न्याय योजना की भी शुरुआत की गई है। उसके पश्चात भी मवेशी मालिक अपने अपने पशुओं को घरों में न बांधकर अब भी खुले में छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय मार्गों पर सैकड़ों मवेशियों के जमावड़ा राहगीरों के लिए चिंता का सबब बनते जा रहा है, जबकि इन्हीं मार्गों पर प्रशासनिक अधिकारियों का प्रायः आना जाना लगा रहता है, फिर भी स्थिति में सुधार की पहल नहीं दिखाई देती। एक ही सड़क मार्ग होने से हजारों की संख्या में भारी वाहनों से लेकर छोटे वाहन मार्ग से गुजरते हैं, जहां मवेशियों के जमावड़ा लगा रहता है। फलतः कई लोग दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, जिसमें बहुतों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सरकार का महत्वपूर्ण योजना है सर, मवेशी रोड में दिखाई ना दे, उनको बकायदा गौठानों में सुनिश्चित किया जाए, ये देखने को आपके यहाँ नगर पंचायत में हमको नहीं मिला, बल्कि बीच रोड में घूमते फिरते हैं। और खासकर कहा जाए तो आप मुख्य मार्ग जो आपका लगा हुआ है साझा की ओर, उसी में है सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, समूह को दे दिए हैं उसके लिए। किस तरीके की रोका छेका का प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रहे हैं? किस तरीके की रोका छेका की मतलब योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? भाई मवेशी जिस तरीके से घूम रहे हैं, आप बता रहे समूह संचालित कर ही कर, उसके बावजूद भी ये सब चीज नतीजा सामने आ गई, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कागजों तक ही सीमित रह गई है क्या सर? कागजों तक ही सीमित रह गई है क्या? कागजों तक सीमित नहीं है। फिर सड़कों पे जो है जिस तरीके से जो है वो जानवर बैठे हुए हैं, आने जाने वाले लोगों को जो है वो परेशानियां हो रही है, और सरकार जो है इतना अच्छा महत्वाकांक्षी योजना रोका छेका बना के रखी है, उस पर जो है क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा है सर।